गुड मॉर्निंग एवरीवन, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल सबको। तो मैं दूसरा एक ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ रहना। तो सुबह सुबह चाय पानी पी के देखिए सीधा बोरिंग वाला काम में आ गया, क्योंकि ये ऑयल की जो कैन है वो खाली है। मैं रात में भी देखा, फिर सोचा नहीं कर, जितना टाइम गुजरता है ना मुझे आलसी हो जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह काम निपटाना चाहती हूँ। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, सुबह सुबह नींद से जागने के बाद चाय पानी पीने के बाद जो काम के मुझे जो एनर्जी मिलती है वही मेरा एक टाइम है जो मैं बोरिंग से सारा काम कर लेती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर काम किचन के काम सुबह ही लिपट लेती हूँ। और एक इसका एक फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि तुम खाना बना लो घर में ना, तो आजकल तो फ्रीज भी है, जो ज़्यादा हो जाए तो फ्रीज में रख दो रात के लिए भी, तो खाना बन जाए तो आप कोई तरह की प्रोग्राम कर सकते हो, अचानक बाहर जाना, अचानक कोई प्रोग्राम आ गया ये वो कर सकते हो, फिर धीरे धीरे गौर को शॉर्ट करना। देखो ये सब चीज़ ना कभी तो कामोली नहीं करके देखी, ये खुद का काम है। कामोली तो जो करने आते हैं वो करके चले जाते हैं, बस सबके घर में है, मेरे नहीं, मैं मेरी बात नहीं है। तो चलिए आज शुरू कर रही हूँ किचन से। ज़्यादातर सुबह मैं किचन में होती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस ना जाओ फिर भी मैं सुबह किचन का ही काम समेट लेती हूँ। फिर किचन साफ़ सफा कर लो तो आधे मन रिलीफ हो जाता है मेरा। तो आज मैं थोड़ा बिरयानी बनाऊँगी, इंडिया गेट की बिरयानी, बासमती राइस आजकल ज़्यादा यूज करने लगी मैं। पहले मैंने बहुत खुला बिरयानी बासमती भी चावल भी किया, और कोहिनूर किया, दावत किया, ये सब यूज़ किया। आजकल ज़्यादा मैं इंडिया गेट की वो कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। बुरा नहीं है, अच्छा ही है, रेंज में भी है। तो ये सिंपल सा बिरयानी हो रहा है, वन पॉट वाला बिरयानी जो बोलते हैं, मुझे पसंद है। तो और एक्चुअली आज मैं वो करूँगी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हल्का फुल्का किया, ब्रेकफास्ट और लंच मिला के मैं आज ब्रंच करूँगी। तो ये बन जाए बस हो गया। एंड और क्या क्या बना सकते हैं देखिए, आज वो एक भिंडी और आलू की मसालेदार एक भिंडी फ्राई होगी, मसाला भिंडी होगी। ये जो डाल रही हूँ ना वो चाट मसाला है, इतना मज़े की बनते हैं ये सब मसाला डाल के, ऑनियन के पेस्ट डाल के मिक्स करके तेल में फ्राई पैन में डाल दो और दो तीन बार हिला दो, सीम में रख के पका लो, तो इतना टेस्टी वाला होती है। आप ये बिरयानी के साथ भी खा सकते हो, राइस रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो एक तरफ मेरा ये भिंडी फ्राई हो गया और इस तरफ मेरा बिरयानी हो गया, देखिए। और क्या चाहिए, मैं तो सारे दिन गुजार सकती हूँ ये सब चीज़। फिर ये थोड़ा स्मेल के लिए कड़वा उठा मैं यूज़ करती हूँ। और ये परोसना भी है, एक्चुअली ये मेरा है, क्योंकि मैं लंच और ब्रेकफास्ट मिला के ब्रंच कर रही हूँ। कौन कौन ऐसे करते हो पूछना, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। हो गया मेरा। और एक आजकल ज़्यादा ऑर्डर आने लगा, क्योंकि बाज़ार बिल्कुल नहीं जा रही है, क्योंकि इतने दिन में कोरोना से इतना दूरी नहीं, बट मेरे अपने जब अटैक हुए ना तब तो जाके मुझे सचमुच में रियलाइज हुआ कितने बड़े हैं ये, क्यूट है। बट क्या करें, और ये देखिए ऑनलाइन से आते ही देख रहे हैं बच्चे ना, एक्साइटमेंट के मारे रुकते नहीं है। फिर मैंने उसको वो क्या किया, वॉश किया, सुखाया, फिर लाया। बट ये बच्चे को क्या पता इनके कितने के हाथ लगे, कहाँ से आए, आते ही वो करना शुरू हो दिया। फिर ये भी ऑनलाइन में मंगा लिया, देखिए छोटे छोटे चीज़ भी आजकल ऑनलाइन से मंगा रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऑनलाइन चीज़ मंगाना। फिर इवनिंग शुरू हो गया, इवनिंग वो ऑफिस से आते हो मिल्क ले आते हैं, ये शुद्ध का मिल्क आज कल नया नया यूज़ करने लगे, बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही क्रीमी है। और ये देखिए सुबह की
लंच बॉक्स आते ही साफ ना करो तो बदबू हो जाता है। तो ये काम है। कैसे लग रहा है मेरा ये ब्लॉग आप लोगों का? मैंने तो भी कितनों लड़ी लेडी का वैसे घर की चीज़ देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता होगा। देखिए जितने काम मैं करती हूँ इन चीज़ों की मैं क्लिप्स उठाती हूँ, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाओ और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने किया वो तो हमारी फैमिली है, हम सब मिलके एक बड़ा सा फैमिली है। तो ये सब दूध आके अब शाम की चाय की टाइम, चाय में मैंने आज बचपन की एक चीज़ बनाई, मम्मी बहुत मनाती थी, जब भी कुछ कोई आए या फिर हम कुछ खाने की बोले तो मम्मी यही बनाती थी, कोकोनट और मैदा और कलंजी और थोड़ा सा शुगर डाल के, इतना मज़े की बने में बहुत खा लिया था मैं और बचपन की याद आ रही थी। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करते जाना और विदा ले रही हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।